तुगलकाबाद फोर्ट है, ये काफी बड़ा काफी ह्यूज फोर्ट है, काफी बड़ा फोर्ट है। हम ऊपर चलते हैं, अभी महात्मा गांधी सरदार पटेल ने हम सबको एक हिंदुस्तान बनाया। ये देखिए पार्टी बज बन गई, अब भी हमारे आपस में जो दिलों के चारों तरफ काफी ह्यूज फोर्ट है, ये इतना है। ये गैसुद्दीन उनकी सिपाही सालारों की परवाह की ये जो है टॉम है, किले के ऊपर हिस्से में मौजूद हूँ। किले में एक बावड़ी भी है जो यहाँ के पानी के लिए बनाई गई थी। यहाँ देखिए छोटे छोटे कमरे तकरीबन ये फौज के लिए आए होंगे, किले कहता है। वो देखिए सामने एक मस्जिद भी है, ये और मस्जिद के बगल में जो गेट दिखाई पड़ रहा है ये यहाँ का एक मदरसा है, और मदरसा के ठीक पीछे एक काल कोठरी है, और वो सामने मस्जिद है जिसकी छत है दिखाई पड़ रही है आपको काली काली, वो मस्जिद जी ये नीचे परिवार के लोग सभी लोग सिपाही भाई सब पढ़ते थे, और ये सभी लोग यहाँ नमाज पढ़ते थे। यहाँ वो मस्जिद है, काली छत है ना, छोटी मस्जिद है, हो सकता है उनका परिवार के लोग पढ़ते होंगे, राजा परिवार के लोग पढ़ते थे, वो तो पढ़ते होंगे, सिपाही उपाही जितने भी इसमें थे सभी पढ़ते होंगे। यहाँ ऐसी बात नहीं, देखिए बाहर जगह है, मस्जिद के अंदर तो नहीं कोई बैठता होगा, सब बाहर ही बैठते होंगे, और बाहर जो दही वही जो भी है कालीन भी जाता होगा, बादशाह और उनके जितने सिपाही सालार थे सभी यहाँ पर नमाज पढ़ते होंगे। बगल में ही देखिए, और पीछे की तब कहते हैं कि राजा की जो बादशाह था उसकी फैमिली रहती थी, और वो एक सिपाहियों का वो जो है एक चौकी थी, वहाँ से नज़र रखते थे वो पीछे की तरफ दुश्मन के लिए। काफ़ी बड़ा काफ़ी ह्यूज किला है। अच्छा महेंद्र, अब ये किला इतना वीरान क्यों हो गया? देखिए साहब, जब यहाँ का पानी की समस्या हुई, समस्या तो मेन पानी की थी जी, और मैं ये कहूँगा कि 1000 साल बाद भी पानी की समस्या अभी यहाँ बनी हुई है जी, तो ये तो मैं ये कहूँगा कि इस बार हमारे को जो पानी मिला है जी, ये यमुना का पानी या गंगा का पानी पी रहे हैं जी। ये किला पानी की वजह से वीरान हो गया था। यहाँ के 8 किलोमीटर पर जमुना जी हैं, वहाँ से पानी लाया जाता था, और यहाँ पे एक बावड़ी बनवाई गई थी। उस बावड़ी में एक तरफ दीवार नेचुरल, उसमें इनको पत्थर मिल गया था तो उन्होंने दीवार नहीं बनाई है, और उस बावड़ी में ये सीढ़ियाँ भी थीं। इस किले का पूरा डायरेक्शन जो ऊपर से आया है पानी का, जो बरसात के पानी का, उस बावड़ी में पानी जाता था, वो बावड़ी पानी इकट्ठा होता था कि भाई इस पे इस पानी से ही काम चलेगा सिपाहियों का और जिनका हर चीज़ का, लेकिन वो काम चल नहीं पाया उनका, और किला वीरान हो गया।